मंत्रियों की भी चर्चाएं थी, आपका नाम भी चल रहा था आपके दिमाग में कि कैबिनेट में नंबर पड़ेगा दोबारा। आज जो मीटिंग हुई है भिवानी में पहली बार लोकसभा के लिए, अब किस तरीके से आगे प्रक्रिया चलेगी और बीजेपी कितनी मजबूत है? ये मीटिंग है कंटिन्यू हमारी चलती रहती है। जैसे हमने लोकसभा कार्यालय का जिला कार्यालय को तब्दील किया, उसके बाद सभी विधानसभाओं पर हमारे कार्यालय खुले और काम पार्टी का सतत चल रहा है और पार्टी हर एक जगह पे मजबूत है और आने वाले समय में हम 400 पार। बीजेपी से भिवानी से आप 3 बार जीते हो, सबसे मजबूत कहा जाता है, हरियाणा में चर्चाओं में रहती है बीजेपी भिवानी, तो भिवानी में अब की बार भी बीजेपी का वैसे ही मैंडेट रहने वाला है? ऐसा है, अभी तो विधानसभा के चुनाव आए नहीं है, आएंगे तब आपको हम जनता के माध्यम से बतवा देंगे। लोकसभा में तो सबसे मजबूत रहेगी भिवानी, मानते हैं? लोकसभा भी मजबूत है और विधानसभा सबसे ज्यादा मजबूत रहेगी। मोदी फैक्टर चलेगा? हाँ, 100% चलेगा। मनोहर लाल जो हमारे त्यागी पुरुष हैं, उनके द्वारा जो ये हमारा अभी स्पेशल सत्र रहा, मुख्यमंत्री को उस दिन ओद दिलानी थी, ओद दिलाने के बाद विधानसभा में विश्वास मत लेना था और वो उन्होंने बेहतरी के साथ अपनी बात रखी और पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। नया सीएम आने से विश्वास जनता भी ज्यादा जताएगी बीजेपी पर, वोट बैंक बढ़ेगा। हमारा तो पुराना भी वही था और नया भी वही है। अच्छा, हम बहुत आगे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बढ़ने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो काम सर्वश्रेष्ठ थे। आज उनके माध्यम से एक साधारण से युवक को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके लिए हम सारे सारे प्रदेश को बधाई दे। मंत्री विस्तार की और मंत्रियों की भी चर्चाएं थी, आपका नाम भी चल रहा था आपके दिमाग में कि कैबिनेट में नंबर पड़ेगा दोबारा से भिवानी का, थोड़ा ये तो जवाब दे जाओ विधायक जी।